अगली खबर में बात करते हैं छतरपुर की, जहां जिला के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में आगामी 23 से 25 फरवरी तक आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर सांसद खजुराहो व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के द्वारा नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखने का जो संकल्प लिया गया था, उसके तहत आज उन्होंने खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह के सामने एवं प्रेम सागर तालाब की साफ सफाई करके स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि हमें अपनी इस पर्यटन नगरी को स्वच्छता के मामले में नंबर वन में लाकर आने वाले G20 देशों के अतिथियों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। वीडी शर्मा ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर G20 की होने वाली मीटिंग्स वाले शहरों को साफ सुथरा रखने जो निर्देश प्रदान किए गए हैं, उन्हीं के परिपालन में आज से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जो बैठक के पहले पूरी तरह से खजुराहो को साफ स्वच्छ बनाकर हम एक अच्छे नागरिक होने का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। साथ ही स्वच्छता को लेकर स्वच्छता में अपनी महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाने वाले स्थानीय निवासी एवं समाज सेवी पंडित सुधीर शर्मा की तारीफ करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया गया। G20 मीटिंग के दौरान आने वाले अतिथियों का हम स्वागत करें, घरों में दीप जलाएं और रंगोली सजाएं, क्योंकि यह सिर्फ किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं बल्कि संपूर्ण नगर के लिए एक विशेष अवसर है, जिसके माध्यम से हम आने वाले अतिथियों का स्वागत सत्कार करें। G20 बैठक में खजुराहो के अलावा पन्ना नेशनल पार्क एवं पन्ना के मंदिरों का भी अवलोकन करेंगे। खजुराहो के तालाबों के सौंदर्यीकरण तथा खजुराहो को आइकॉनिक सिटी के तौर पर घोषित होने के बाद यहां के विकास से संदर्भित अधिकारियों का दौरा एवं निरीक्षण भी शीघ्र होगा तथा आने वाले समय में पर्यटन के दृष्टिकोण के कनेक्टिविटी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको लेकर उन्होंने उद्यान मंत्री से मुलाकात की है एवं मीटिंग के दौरान इस विषय को विशेष तौर पर रखकर अपनी चिंता व्यक्त की थी, जिसके तहत मुंबई, कोलकाता तथा उदयपुर जैसे प्रमुख शहरों से खजुराहो की कनेक्टिविटी शीघ्र प्रारंभ की जाएगी और वह स्वयं इस मुद्दे को लेकर शीघ्र ही मंत्री से एक बार फिर से चर्चा करेंगे। देखिए, आज स्वच्छता अभियान का प्रारंभ हुआ है, खजुराहो का सौभाग्य है, हम सब लोगों का सौभाग्य है, बुंदेलखंड की जनता का, मध्य प्रदेश का, कि G20 देशों की बैठक जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता मिली है, ये भारत के इतिहास में हम सब के लिए गौरव की बात है। और ज़्यादा गौरव की बात यह है कि G20 देशों की बैठक खजुराहो के अंदर होगी, मेरे संसदीय क्षेत्र में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से अभिनंदन और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खजुराहो जैसे स्थान को चुना, वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है माननीय प्रधानमंत्री का। माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है हम सब लोगों को कि अपने अपने क्षेत्रों में आने वाले G20 देशों के जो प्रतिनिधि हैं, उन्हें लगना चाहिए कि अपना खजुराहो कितना सुंदर और स्वच्छ खजुराहो है। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत को बनाने का जो संकल्प लिया है, G20 देशों की बैठक से पहले लगातार स्वच्छता का अभियान चलेगा, आज से प्रारंभ हुआ है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, समाज के प्रबुद्ध लोग, सभी जनप्रतिनिधि, और मैंने तो सभी समाज के लोगों से अपील की है, वो किसी भी दल के होंगे, किसी भी से जुड़े होंगे, लेकिन सबसे हमने अपील किया कि सभी लोग, ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, बुंदेलखंड के लिए, खजुराहो के लिए, कि G20 देशों के प्रतिनिधि तीन दिन 23, 24, 25 फरवरी को और बाद में 11, 12 सितंबर को दो बैठकें यहाँ पर होंगी और कल्चर समूह की बैठकें होंगी, तो हमारे लिए गौरव का क्षण है। तो सुंदर खजुराहो बने, स्वच्छ खजुराहो बने, ये संकल्प लेकर के G20 देशों के प्रतिनिधियों के आने से पहले उनके स्वागत की तैयारियों में स्वच्छता का अभियान, घर घर में रंगोली होगी, घर घर में दिवाली मनेगी, दीपक जलेंगे। हमने तय किया है कि बुंदेलखंड संस्कृति के जो हमारे कल्चर समूह हैं उनके द्वारा स्वागत करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जो बुंदेलखंड का कल्चर है, हमारा प्रयास होगा कि उनको भी हम दिखाने का प्रयास हमारे आने वाले प्रतिनिधियों को करें। साथ में ही पन्ना टाइगर रिजर्व, वो सफारी करने जाएंगे, मंदिरों को भी देखेंगे। तो हमारे लिए तो गौरव का क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि से धन्यवाद कि खजुराहो के अंदर G20 समूह की देश दुनिया के पटल पर वैसे भी था, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज खजुराहो दुनिया के लोगों के लिए आतिथ्य के लिए तैयार है। हम सब लोग स्वच्छता के अभियान में जुटे, लगातार ये चलेगा। भाई साहब, आपने संसद के माध्यम से तालाबों के सौंदर्यीकरण को जो आपने सवाल उठाया था, इसके बारे में मैंने बहुत स्पष्ट कहा, ASI के हमारे मंत्री, टूरिज्म मिनिस्टर
और उनको मैंने स्पष्ट कहा कि खजुराहो के अंदर जो तालाब सौंदर्यीकरण का सबसे बड़ा आधार है, हमारी धरोहर है, वो ऐसा ही भाई साहब आगे कर।